मम्मा का ये देखिए कितने अच्छे से पूजा करके हो गया है। कल जो मैं फूल लेकर आई थी उस वो फूल से मम्मा ने यहाँ पे दो हार बना दिया है और मंदिर में भी हार लगा दिया है बना के। और ये रही मम्मा, नमस्कार। मार्गशीर्ष महिना चालू झालेला आहे, त्याचा आज पहिला गुरुवार आहे। मी पूजा केलेली आहे महालक्ष्मीची, लक्ष्मीची पूजा करत आजच्या दिवसाला। काही काही लोक करा वगैरे मांडून पूजा करतात, मी आपली साधी पूजा करते। गणपतीमध्ये मी महालक्ष्मी पूजते, त्याप्रमाणे मी आताही लक्ष्मीची पूजा करते। तशी तुम्ही करा, घरात भरभराट होते, लक्ष्मी आपल्याला वरदान देते, म्हणून तुम्ही लक्ष्मीची पूजा करा। लक्ष्मी माते की जय। हॅलो एवरीवन, गुड इव्हनिंग, कैसे हो आप सब। आई एम रियली सॉरी, सुबह के बाद डायरेक्ट अभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी बीच में टाइम नहीं मिला, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो गई थी। अभी भी मैं क्लास खत्म करके फ्रेश होके सुशांत के साथ और सानू के साथ नीचे गई थी, क्योंकि उसका एडमिशन करना है, सैटरडे को मुझे फॉर्म सबमिट करना है, तो उसके रिलेटेड ही थोड़ा काम था जिसके लिए हम लोग बाहर गए थे। सानू का यूनिफॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो भी नहीं था, तो वो भी हम लोग अर्जेंट में अभी खिंचा के लेकर आए। एंड यस, नाउ आई एम बैक होम। और आज हम लोगों ने ऐसे ज़्यादा कुछ डिनर बनाना नहीं है, क्योंकि आते वक्त ही सुशांत ने और मैंने दोनों के लिए वो सैलेड जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था वहाँ से एक कॉर्न सैलेड लेकर आए और एक मिक्स सैलेड लेकर आए, तो हम लोग दोनों तो वही खाने वाले। मम्मी भी उसमें से थोड़ा खाएगी और डैडी के लिए एक भाकरी डालना है, बाकी दोपहर का खाना सब कुछ है। सो ज़्यादा कुकिंग पार्ट नहीं था, तो इसके लिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं मस्त एक चंपी तेल मालिश कर लेती हूँ, क्योंकि आई थिंक इट्स बिन मोर देन वन एंड हाफ मंथ के मैंने बिल्कुल भी मेरे बालों में ना ऑयलिंग नहीं किया। और आपको पता है तेल लगाना कितना ज़रूरी है, और मुझे सच में अभी इस वक्त ना बहुत ज़रूरी है कि मैं एक अच्छा सा हेयर ऑयल करके थोड़ा चंपी कर लूँ। तो मम्मा थोड़ा फ्री थी, टीवी देख रही थी, तो मैंने मम्मा को बोला ये मैं तेल भी लेकर आई हूँ कि मम्मा क्विकली मुझे लगा दो, ताकि ओवरनाइट अच्छे से वो मेरे बाल में स्कैल्प में रहे और फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉश कर सकूँ। सो मैं मम्मा को यहाँ पे सुशांत के बालकनी में लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हवा बहुत अच्छी आती है और यहाँ पे बैठ के तेल मालिश करना ही मुझे पसंद है, क्योंकि मैंने जितने बार भी करवाया यहीं पे बैठ के किया है। तभी मम्मी मुझे मस्त एक तेल मालिश दे देगी, सो दैट आई रियली रिलैक्स। और मुझे सच में अभी एकदम ऐसे ना रिलैक्सिंग वाला मालिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माय मालिश। और यहाँ पे हवा देखिए कितना अच्छा था, ऐसा वाटा मम्मा समुद्र किनारा बस लो है ना, मस्त आ रहे थे। एक तो इतना अच्छा टॉप फ्लोर पे है और पूरा खुला है ना, सामने वो समुंदर भी दिखता है पूरा, तो बहुत अच्छा है ये, इतना अच्छा लगता। और ये ओपन एयर में मतलब जो हवा वेंटिलेट होता है उसमें बैठ के ऐसा तेल मालिश करने में ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। नानू वो गांव साइड में आंगन में बैठ के कैसे मालिश करते थे वैसा फील आता है। सो लेट मी एंजॉय माय हेयर मालिश राइट नाउ, मैं आप लोगों को इसके बाद मिलती हूँ। हम लोग के घर में एक जन अगर तेल मालिश का नंबर लगा देना फिर सब लोग बैठ जाते हैं। अब मैं बैठी हूँ ना, सुशांत को भी करना है, सानू को भी करना है, एक बार जब तक नहीं करेंगे तो कोई नहीं करता है, बैठेंगे तो मम्मी के पास सब फिर लाइन लगा लेते हैं। तो मम्मी बोली अभी मैं भाकरी बनाऊंगी, उसके बाद आराम से फिर खाना खाने के बाद सुशांत और सानू को लगा के दूंगी। मैंने तो मेरा हेड मसाज बहुत अच्छे से एंजॉय किया, इतने अच्छे से मम्मा ने तेल लगा के दिया। मम्मा तो हमेशा बोलती है मेरे पास, मैं लगा के देती हूँ, मुझे ही टाइम नहीं मिलता है लगाने के लिए। आज तो मैंने डिसाइड किया था कि कल मुझे फ्राइडे हेयर वॉश करना है, एवरी फ्राइडे आई डू माय हेयर वॉश कंपलसरी है। ऐसे तो हफ्ते में दो या तीन बार मैं करती हूँ, बट फ्राइडे इज कंपलसरी, फ्राइडे आई डू इट ओनली। तो मैंने कहा आज तो मैं तेल लगा के ही लेती हूँ मम्मा से और कल अच्छे से हेयर वॉश करके लूँगी। तो फाइनली मेरा तेल मालिश चंपी मालिश करके हो गया एंड आई एम फीलिंग रियली नाइस, एकदम रिलैक्सिंग फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस सो जाऊँ अभी, बट अभी फ़िलहाल टाइम है सोने के लिए। सो ये देखिए मम्मी ने मुझे कितना मस्त चोटी बांध के दी, एकदम ऐसा टाइट चोटी बांध के दी, पूरा बचपन याद आ जाता है जब मैं ऐसा चोटी बांधती हूँ। तो मम्मी बोलती है मेरे पास मैं तेल लगा के देती हूँ, चोटी बांध के देती हूँ, बट तू ही आती नहीं, तेरे पास ही टाइम नहीं रहता। येस आई एम सो बिजी, मेरे को नहीं मिलता है टाइम, लेकिन चोटी बांधा ना तो इतना अलग लगता है, बचपन याद आ जाता है, स्कूल याद आ जाता है। और आप लोग ने भी ऐसे मुझे बहुत कम देखा होगा ऐसे चोटी में, क्योंकि मैं ऐसे रोज़ रेगुलर डेली बेसिस पे चोटी बांधती नहीं हूँ, मुझे खुद को स्क्रीन पे अपने आप को देखने में कितना अलग लग रहा है, बट इट्स रियली लुकिंग नाइस। लेकिन मेरे बाल देखिए कितने पतले हो गए, पहले इतने एक साइड की चोटी मेरी ऐसी इतनी थिक बनती थी, अब तो पूरा बाल मिला के इतना एक चोटी बन रहा है, इतने हेयर फॉल होने लग गए। तो येस एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी कल करना है मुझे हेयर वॉश। और अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ये नेचर शोर का पोल्स एंड मार्क्स का
ऑइल शेयर किया था जिससे मेरी स्किन को देखिए कितना फ़र्क पड़ा है। ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा ही इसमें बचा क्योंकि मैं डेली बेसिस में इसको यूज़ करती हूँ। तो आई गॉट अ रियली नाइस रिजल्ट। मैंने इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया है मेरे एक वीडियो में कि मुझे ये प्रोडक्ट कितना पसंद आया, और आप लोगों को भी सजेस्ट किया था कि अगर आप लोगों को भी ऐसा अच्छा ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप लोग भी इसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। तो यस, जब मैंने इसका रिव्यू शेयर किया उसके बाद ब्रांड ने मुझे वापस एक बार अप्रोच किया कि इशिता थैंक यू सो मच, आप लोग ने आपने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया, उसका रिव्यू शेयर किया और आपको खुद को पर्सनली प्रोडक्ट इतना पसंद आया तो हमारे पास और भी बहुत सारे रेंज है, तो उसमें से क्या आप कुछ और ट्राई करना चाहोगे? सो आई विल लाइक डेफिनेटली येस, क्योंकि मुझे नेचर श्योर के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते बट एट अ टाइम एक प्रोडक्ट ही यूज़ कर सकते। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं ना एक शैम्पू यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे मेरा जो शैम्पू है ना उसको चेंज करना था। मैं बहुत टाइम से वो एक ही शैम्पू यूज़ कर रही थी, तो जब ये पूरा रेंज का ऑप्शन मेरे पास आया कि इसमें से मुझे क्या चूज़ करना है, तो मैंने कहा चलो शैम्पू में ट्राई करके देखती हूँ, कुछ चेंज हो जाएगा मेरे बालों के लिए। तो देन फाइनली आई डिसाइडेड टू टेक दिस नेचर श्योर का जोंक शैम्पू। ये बहुत अच्छा है। नेचर श्योर के सारे प्रोडक्ट्स ना 100% नेचुरल होते, आयुर्वेदिक होते, लेस ऑफ केमिकल होता है। सो ये भी 100% नेचुरल है। एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल, रीस्टोर शाइन, मतलब आपको अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आपके बाल एकदम डल हो गए, ड्राई हो गए, डिहाइड्रेटेड हो गए, या आपको फंगल इन्फेक्शन है, स्कैल्प प्रॉब्लम है, इचिंग प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपके स्कैल्प में ऑयल आ जाता है, ऑयली हो जाते हैं आपके बहुत सारे बहुत बाल आपके, तो ये उन सब पे आपको इफ़ेक्ट करेगा, असर करेगा। एंड प्लस ये सल्फर फ्री है, पैराबिन फ्री है और 100% नेचुरल है। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ किया है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ना वो तो हम लोग जैसे बचपन से हमारी नानी दादी मतलब ज़मानों से हम लोग सुनते आ रहे कि ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। मतलब सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इसमें एलोवेरा है, आंवला है, बहीड़ा है, शिकाकाई, अरीठा, हरड़, मेथी, नीम, शैम्पू बेस, मतलब इसमें सब कुछ है। आपने अभी सुनी लिया, मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बता दिया। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको पता है हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है, हेल्दी होता है। हमने तो बहुत सारे वीडियोस देखे, मतलब DIY कर लो घर में, आंवला, मेथी, ये वो, एलोवेरा बालों में यूज़ करो, आपको बाल ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। बट ऐसा कितने बार पॉसिबल होता है कि हम वैसा कर सकते? एक दो बार कर लेते, उसके बाद या तो टाइम नहीं होता है या तो उतने सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स सब अवेलेबल नहीं होते, तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो ये एक बोलते ना ऑल इन वन शैम्पू है जिसमें आपको सब कुछ है, पूरा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ है इसमें, 100% नेचुरल है, सल्फर फ्री है, पैराबिन फ्री है और आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा। और ये मुझे रिसीव हुआ है 1.25 महीने पहले और मैंने इसको यूज़ भी कर लिया। देखिए बॉटल आधे से ज़्यादा ना खाली हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ रियली नाइस शैम्पू। इसको एकदम ऐसा माइल्ड फ्रेग्रेंस, एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस भी नहीं है, अच्छे से स्कैल्प को क्लीन कर लेता है, हेयर को क्लीन कर लेता है, ऐसा पंप में है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा पैकेजिंग भी अच्छा है। ये एक्चुअली है 300 ml का, इसका प्राइसिंग है 390 rupees। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अलग अलग इसका, आप सब लिंक्स पे चेक करके देख लीजिए आपको कहाँ से ऑर्डर प्लेस करना है अपना, और आपको अच्छा खासा एक डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस आपको नीचे मेरा कूपन कोड भी दिख रहा है, अगर आप वो कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग भी ज़रूर इसको मंगाइए, यूज़ कीजिए। इनफैक्ट ये शैम्पू आई थिंक 2 बार मम्मा ने भी यूज़ किया है, तो मम्मा को भी इतना पसंद है। एक्चुअली मम्मा को ना एलोवेरा, आंवला, ये सब इंग्रेडिएंट्स सुन के इतना अच्छा लगा ना, मतलब साइकोलॉजी उनको ऐसा लगा कि हाँ दिस शैम्पू इज़ रियली वेरी नाइस और ये बहुत अच्छा इफेक्ट कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो मम्मी ने भी इसको जब यूज़ किया तो शी बोले कि मेरे लिए भी एक बॉटल मंगा दे ताकि मैं भी इसको रेगुलर यूज़ कर सकूँ। तो दिस इज़ फॉर 390। आप ऑनलाइन मंगाओगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने मम्मी के लिए भी एक शैम्पू मंगाया है, तो आई थिंक नेक्स्ट 3-4 days में इसका डिलीवरी आ भी जाएगा। तो मतलब ब्रांड ने मुझे यूज़ करके आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने के लिए भेजा था, बट हमें खुद को ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा, पसंद आया कि मैंने मम्मी के लिए भी ये मंगा लिया है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करना एंड फॉर बेटर रिजल्ट इसको रेगुलरली यूज़ कीजिए तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यस, कल अभी मैं इसके साथ मेरा हेयर वॉश करने वाली हूँ। सो नाउ आई हैव कम इन द किचन खाना खाने के लिए। सुशांत खाना खा के ऑलरेडी नीचे चला गया है थोड़ा वॉक करने के लिए। सानू को भी मैंने खिला दिया, डैडी का हो गया, मम्मा इज हैविंग हर डिनर। और आज मम्मा ने ना खापर पुआ बनाया, आई थिंक
आप में से बहुत सारे जन को पता होगा। इसमें चावल का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके ऐसा बैटर बना के तवे पे जिसपे हम रोटी बनाते उस पे, या तो आई थिंक नॉनस्टिक पैन पे भी बन सकता है, उस पे ये बनाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, डैडी को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी भाकरी के रिप्लेसमेंट में अगर कुछ बनाना होता है ना रात के टाइम पे, क्योंकि शाम को हम लोग चपाती बहुत कम बनाते हैं, ना के बराबर ही बनाते, कभी कभार बनता है, तो अगर कुछ भाकरी को रिप्लेस करके बनाना हो तो हम लोग यही बनाते हैं खापर पोड़ा। मतलब मैं नहीं, मम्मा बनाती है, मेरे को तो अभी तक आता नहीं है बनाने के लिए, सीखना पड़ेगा क्योंकि कभी ना कभी तो खुद को बनाने आना चाहिए। सो एनी वेज, आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर राइट नाउ एंड आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। इफ़ येस तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।